A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zunexa classes. आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है अबाउट द टाइगर रिजर्व्स। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टाइगर रिजर्व्स, उससे जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइगर के बारे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स के बारे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स जो है किस अथॉरिटी के अंडर आते हैं, वो कैसे काम करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ट्रेंड क्या है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन रही, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें सबसे कम टाइगर पॉपुलेशन रहती है, कुछ खास टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात की जाएगी एंड सो ऑन। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जिसमें आपके टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए सभी सवालों को आपको उसके जवाब मिलेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व्स इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो ये जो स्लाइड है ये आपके सभी एग्जाम्स, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हो सकते हैं, यूपीएससी द्वारा लिए जाने वाले, स्टेट पीसीएस या एसएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, डिटेल सवाल है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है लास्ट में। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको रिविजन के लिए डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट ले सकते हैं और आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम टाइगर की बात करते हैं, टाइगर विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। टाइगर जो है उसको हम पैंथरा टिग्रिस कहते हैं। अगर हम उसके बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं तो पैंथरा टिग्रिस उसका नाम है। ये किस तरीके से नाम रखा जाता है ये मैं आपको अपनी बायोलॉजी की क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो पूरा का पूरा जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन इसके अंदर स्पीशी होती है, टैक्सा होता है, ऐसे ऐसे करके किंगडम्स आती है, तो उसके अकॉर्डिंग पैंथरा टिग्रस जो है टाइगर का नाम होता है। तो टाइगर इज नोन एज पैंथरा टिग्रस। टाइगर जो है सबसे बड़ी कैट है। अगर कैट्स के बारे में बात की जाए, टाइगर किस फैमिली से बिलोंग करता है, टाइगर इज अ कैट, तो ये कैट फैमिली है। अगर टाइगर्स की बात की जाए, कैट्स की बात की जाए, तो टाइगर जो है सबसे लार्जेस्ट कैट है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऑप्शन में लॉयन दे दिया जाता है तो नो, कैट्स की अगर बात हो रही है तो टाइगर इज द लार्जेस्ट कैट, राइट। ये क्या था, एक टाइम पर ये जो है पूरा सेंट्रल ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया, एशिया की बात करिए, वर्ल्ड के मैप को इमेजिन करिए, उसमें जो एशिया वाला पोर्शन है उसके सारे सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न एशिया में और साउथ ईस्टर्न एशिया में जो है टाइगर पाया जाता था, सब जगह पे पाया जाता था, एक टाइम ऐसा था। अब जो है टाइगर लिमिटेड सिर्फ 13 कंट्रीज में ही पाया जाता है। कौन कौन से 13 कंट्री है वो आगे बात करेंगे। टाइगर को अगर हम बात करते हैं IUCN लिस्ट में, IUCN लिस्ट क्या है, IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग सारी अलग अलग कंट्रीज भी अपनी लिस्ट को अपडेट करती रहती हैं। IUCN जो लिस्ट है वो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है कि जो अलग अलग एनिमल है उसमें किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर हम IUCN लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। IUCN लिस्ट में लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशी की जो लिस्ट होती है, जिस जो कि ह्यूमंस की वजह से या किसी और वजह से थ्रेटनिंग है, मतलब उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस लिस्ट में टाइगर जो है इंडेंजर्ड स्पीशी में आता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा। देखिए इस लेक्चर के अंदर, इस स्लाइड्स के अंदर, इस पूरी की पूरी पीडीएफ के अंदर जितने भी स्लाइड्स हैं उसके अंदर लिखा हुआ एक एक वर्ड सिर्फ वही चूज किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। अगर हम फिर सेकेंड बात करते हैं, फैक्ट है ये मलयन एंड सुमत्रन जो स्पीशीज है टाइगर की, टाइगर जो है इंडिया में भी पाया जाता है और 13 कंट्रीज में और पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल सारे टाइगर्स की तो वो एंडेंजर्ड स्पीशी में आते हैं, बट मलाया जो पेनिसुला है, मलाया और सुमात्रा, सुमात्रा और मलाया जो पेनिसुला है उसके अंदर पाए जाने वाले जो टाइगर्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा कम हो गया उनका नंबर कि वो एंडेंजर्ड स्पीशी, एंडेंजर्ड लिस्ट से शिफ्ट हो चुके हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे एंडेंजर्ड है, बट मलाया और सुमात्रा के जो टाइगर्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो अगर सवाल इस तरीके से बनता है कि सभी टाइगर्स हैं इन द वर्ल्ड दे आर इन एंडेंजर्ड लिस्ट, तो उसका वो गलत हो जाएगा कि कुछ टाइगर्स जो है मलाया और सुमात्रा के वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं पिछले 100 सालों की, तो 100 सालों के अंदर, पिछले 100 सालों की अगर हम बात करेंगे तो 100 सालों में
टाइगर वुड्स ने अपना 93% ऑफ द रेंज को लॉस्ट किया है। अब आप समझिए 93% जो है टाइगर्स कम हो गए। आप देखिए पिछले 100 सालों में ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन कितनी ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुई, मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इंक्रीज किया अपने पॉपुलेशन को, बट टाइगर्स की पॉपुलेशन और टाइगर की पॉपुलेशन को कम होने का कारण जो है ह्यूमन फैक्टर इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर। तो 100 सालों में पिछले टाइगर की पॉपुलेशन जो है, टाइगर हैज लॉस्ट मोर देन 93% ऑफ इट्स हिस्टोरिक रेंज। अब सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्रीज के अंदर वो सर्वाइव करते हैं। पहले क्या करते थे, बहुत सारा सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया और दूसरा साउथ ईस्टर्न एशिया जो है उस सारे में पाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो सारी जगह से खत्म हो गए और सिर्फ 93% लॉस्ट हो गया। अब सिर्फ 7% एरिया बचा है जहां पे आपको टाइगर मिल रहे हैं, राइट। 13 कंट्रीज है, 13 कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं, इंडिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, आपको वो हम देख लेंगे। तो 13 कंट्रीज में सिर्फ टाइगर पाए जाते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 13 कंट्रीज में है, एंडेंजर्ड स्पीशी है, 2 जगह पे मिलने वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पैंथ्रेटिक रेसिस को कहा जाता है। और नेक्स्ट जो फैक्ट है वो इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में अगर आपको देखना होगा, ये इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे टाइगर को सिग्निफिकेंस देने के लिए आने वाला है। देखिए 29 जुलाई जो है इज द डेट जब इंटरनेशनल टाइगर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं सेव टाइगर के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं इंटरनेशनली, पहले हम बात करेंगे फिर हम इंडिया के ऊपर स्विच करेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं तो टाइगर जो है उसको साइट्स कन्वेंशन जो होती है, साइट्स कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जो साइट्स कन्वेंशन है उसके अंतर्गत, साइट कन्वेंशन क्या है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, सिर्फ और सिर्फ उसको इंडिया नहीं फॉलो करता, उसको वर्ल्ड के बहुत सारे या मैक्सिमम कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं साइट्स कन्वेंशन को। तो साइट्स कन्वेंशन के अंडर अपेंडिक्स 1 में टाइगर आता है। तो इसका मतलब क्या है, अपेंडिक्स 1 का मतलब है टाइगर का ट्रेड करना इलीगल है, ओके। तो टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया है अपेंडिक्स 1 में सिंस 1 जुलाई 1975, जो इसका कमर्शियल ट्रेड है टाइगर का वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया, क्योंकि टाइगर का नंबर ड्रास्टिकली गिर रहा था। और हम बात करते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में जो है 2010 में एक समिट हुआ था, इंटरनेशनल टाइगर समिट जो था, टाइगर समिट हुआ कहाँ पर हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में, कब हुआ, 2010 में हुआ, जिसमें कितने पार्टिसिपेट किया, 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। कौन थी वो 13 कंट्रीज, वो सारी 13 कंट्रीज वही कंट्रीज थी जिसके अंदर टाइगर मौजूद है, चाहे बहुत कम नंबर में है। तो टाइगर इन सब कंट्रीज में मौजूद है, उन 13 कंट्रीज ने इस इंटरनेशनल समिट में पार्टिसिपेट किया। इस इंटरनेशनल समिट में क्या बात किया गया, इस इंटरनेशनल समिट में ये बात किया गया कि हम टाइगर को और ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो लगाएंगे। तो ग्लोबल रिकवरी प्रोग्राम था ये, सिर्फ इंडिया ही फॉलो नहीं कर रहा उसको, ये 13 कंट्रीज में है ये ग्लोबल रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें कि टाइगर को रिकवर, मतलब टाइगर के नंबर्स को बढ़ाने के लिए बात किया गया। इसमें क्या बात किया, इसमें बात किया गया कि द गोल इज़ टू इफेक्टिवली डबल द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर बाय 2022। तो 2022 में जो है टाइगर के नंबर को हम डबल कर देंगे, ये इसमें बात किया गया, राइट। जो 2010 में नंबर था उसको हम डबल करेंगे 2022 में। तो अब क्या होगा, कुछ कुछ जो बुक्स है या कुछ जो कोचिंग्स है आपको ये पढ़ा रहे हैं कि 2010 में जो, मतलब ये जो 2022 में हमारा टाइगर का नंबर डबल हो गया है, तो आई विल से नो, 2010 में हमने ये प्लेज लिया था, तो 2010 में जितना नंबर था उससे हमें डबल करना था, बट हमने जो नंबर डबल किया है वो 2006 वाले नंबर को डबल किया है। तो प्लीज़ मैं इस पीडीएफ, इस लेक्चर में जो भी बात करने जा रही हूँ प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो दोबारा सुनिएगा इस लेक्चर को। तो 2010 वाले नंबर को डबल करना था, लेकिन हमने जो डबल किया है वो 2006 वाले काउंट को डबल किया है। तो स्टिल इंडिया भी पीछे है, बट डबल हुआ है 2006 वाले सेंसस का डबल हुआ है, राइट। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरीके का स्टेटमेंट मिलता है एग्जाम में कि वी हैव अचीव्ड अ टारगेट ऑफ 2010, तो 2010 वाला टारगेट हमारा अचीव अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम उससे पीछे है। 13 कंट्रीज जिसके अंदर टाइगर मिलता है वो कौन कौन से कंट्रीज है, उसकी लिस्ट है ये। अब आपको ये सोचेंगे, अब आप इस लिस्ट को आप कैसे लर्न करें, क्या कोई फिर से निमोनिक बनाए, तो आई वुड से नो 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 निमोनिक्स, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया जो कि आपको याद नहीं हो सकता। तो आप इन सारी कंट्रीज के बारे में देखिए कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, यहाँ सब में मिल रहा है। देखो नेपाल में भी है, भूटान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है, और फिर कहाँ पर है, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो 7 कंट्रीज है,
जो सार्क कंट्रीज है उसमें से कुछ कंट्रीज हैं इसमें, छोड़ दूंगी, क्या छोड़ना है वो आप देख लेना, पाकिस्तान छोड़ देना, अफगानिस्तान छोड़ देना, श्रीलंका छोड़ देना, उसको छोड़ के बाकी के सार्क कंट्रीज यहाँ पर है। दूसरा क्या है, दूसरा एशियान कंट्रीज, ठीक है, एशियान जो है ये कंट्रीज है और सार्क कंट्रीज है। तो सार्क कंट्रीज आपने पहले से लर्न कर रखी है, आसियान कंट्रीज आपने पहले से लर्न कर रखी है, तो आसियान और सार्क का कॉम्बिनेशन है। कौन सी कंट्रीज को उसमें से हटाना है, आसियान में से फॉर एग्जाम्पल ब्रुनेई को हटाना है, तो कौन सी कंट्रीज इसमें से हट गई है वो देख लो आप, सार्क में से कौन सी कंट्रीज हट गई है वो देख लो आप, ऐड क्या हुआ, रशिया और चाइना भी है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप ऐड करके 13 कंट्रीज वो कंट्रीज है। कहाँ क्या करना है आपको, अपने हेड के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही तो रखनी है हर चीज के लिए यार, निमोनिक्स मत बनाया करो, कुछ लॉजिकल चीजों के बेसिस पे भी चीजों को याद किया करो। तो ये 13 कंट्रीज हैं, बहुत आसान है इनको याद करना। इन 13 कंट्रीज में से भी देखिए 3 कंट्रीज ऐसी हैं, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, इन 3 कंट्रीज में लोकली एक्सटिंक्ट हो चुका है। मतलब क्या है, लोकली आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, यहाँ पे टाइगर है वहां पे प्रोटेक्शन में रखा गया टाइगर मिल रहा है आपको, राइट। अब हम बात कर लेते हैं टाइगर के बारे में, हम बात कर रहे हैं तो जो सेव टाइगर कैंपेन है, जो सेव टाइगर इनिशिएटिव है, इंडिया की बात हो रही है अब, तो सेव टाइगर जो इनिशिएटिव है वो किसने स्टार्ट किया, NTCA। अब व्हाट इज NTCA, NTCA है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है मॉनिटर एडमिनिस्टर करती है किसको, टाइगर रिजर्व्स को और टाइगर जो सेव टाइगर जो प्रोग्राम है उसको। तो टाइगर रिजर्व्स जो है इंडिया के सबसे पहले सब सेटअप कब किए गए थे, 1973 में, एंड ये गवर्न करते हैं किसके द्वारा, बने हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर कौन करता है, NTCA। तो NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जिसके तहत उसका एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स आते हैं, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। NTCA के अंडर आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमने सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स को बनाया है ऑल ओवर इंडिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब NTCA क्या है, NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये क्या है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको एक स्टेट्यूट के द्वारा बनाया गया, स्टेट्यूटरी बॉडी है ये। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री गेस करना तो बहुत आसान है, अब यही मिनिस्ट्री करेगी, एनवायरमेंट को ही बचा रही है, फॉरेस्ट को ही बचा रही है, तो मिनिस्ट्री तो गेस करना बहुत आसान हो गया। NTCA क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है पहला फैक्ट, दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ, किस प्रोविजन के तहत इसको बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एक्ट था ऑलरेडी उसके अंडर इस अथॉरिटी को बनाया गया, और इस अथॉरिटी का फिर प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हमारे सारे के सारे टाइगर रिजर्व को बनाया गया। ये सब कब हो रहा है, 1972 का जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, 1973 में पहला टाइगर रिजर्व बना दिया गया था और NTCA भी, ओके क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर करके स्टेटमेंट को दिया जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इन दो पैराग्राफ की वजह से। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये किसकी स्कीम है, ये भारत सरकार की स्कीम है, CSS है ये, CSS का मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कुछ पैसा भारत सरकार देगी, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देगी, मतलब जिस भी स्टेट के अंदर वो टाइगर रिजर्व होगा कुछ शेयर वहां से आएगा और कुछ शेयर जो है भारत सरकार देगी सेंट्रल से, ओके। तो इसका मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर, स्पॉन्सरिंग मिलेगी, स्पॉन्सरशिप में आपको 100% नहीं मिलता, तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, कुछ पार्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पार्ट देती है स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री आप ऑलरेडी जानते हैं। जो फंडिंग है, प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट टू टाइगर रेंज स्टेट्स, जो टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो कैसे प्रिजर्व करते हैं टाइगर को, इन सीटू कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब क्या है, जहां टाइगर है उसी को वहीं प्रोटेक्ट कर दिया। दो तरीके हो सकते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू, एक्स सीटू का मतलब क्या है, जहां पे टाइगर पड़ा हुआ है रहता है उसको उठा के ले आओ, घर के अंदर ले आओ या जू में डाल दो उसको और उसको बचा लो, बच जाएगा वो फिर भी, बट उसकी ग्रोथ जो है हैम्पर हो जाएगी, वो उस तरीके से अपने नेचुरल एनवायरमेंट में नहीं जिएगा जैसे उसको जंगल में जीना चाहिए था, ओके। तो किस तरीके का प्रिजर्वेशन है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इन सीटू प्रिजर्वेशन है, टाइगर रिजर्व जो है वो वहीं बनाए गए हैं जहां पे टाइगर रहते हैं। NTCA जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है और क्या काम कर रहा है, NTCA प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है टाइगर सेंसस करने का। टाइगर सेंसस का मतलब क्या है, टाइगर के नंबर को काउंट किया जाएगा, जैसे हमारा सेंसस होता है हमारी पॉपुलेशन काउंट की जाती है ह्यूमन बींग्स की, इसी तरीके से टाइगर का सेंसस भी किया जाता है, लेकिन हमारा जो सेंसस है वो कितने साल में किया जाता है,
जो ह्यूमन बींग्स का सेंसस है वो होता है 10 सालों में, बट टाइगर क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर इसका फॉल कर रहा है तो इसका सेंसस होगा एवरी 4 ईयर्स. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर 4 साल में टाइगर के नंबर को काउंट किया जाएगा. ओके, तो अब हम टाइगर सेंसस के बारे में भी बात करेंगे. पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ एनटीसीए की. अगर हम एनटीसीए के फंक्शंस की और बात करते हैं, अभी हमने दिया एनटीसीए जो थी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी थी, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उसके बनाया गया था. इसका काम है टाइगर रिजर्व्स को एडमिनिस्टर करना और इसके तहत अलग अलग मतलब प्रोजेक्ट टाइगर इनका प्रोजेक्ट है, उसके तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं. प्रोजेक्ट टाइगर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इंसिटू प्रिजर्वेशन किया जाता है. तो एनटीसीए के और फंक्शन क्या है, तो एनटीसीए जो होती है, देखिए इसमें जो सारे फंक्शंस लिखे हैं ना, आप प्लीज उसको पढ़ लेना रिविजन करते वक्त. तो एनटीसीए जो होती है डिसअलाउ करती है एनी इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लैंड यूज. कोई भी इस तरीके का लैंड यूज होने से वो रोक देगी, जिसमें माइनिंग इंडस्ट्री अदर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर कुछ भी नहीं होने देगी. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल वो वहां के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, अल्टीमेटली टाइगर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो टाइगर रिजर्व्स के अंदर कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट प्रोसीजर होना की कोशिश कर रहा है तो उसको एनटीसीए स्टॉप करेगी. राइट, सेकंड क्या करती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज और गाइडलाइंस देगी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत और उसको इंप्लीमेंट कराएगी, उसकी कंप्लायंस भी देखेगी कि फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. मेजर्स बताएगी, कंफ्लिक्ट अगर होता है वाइल्ड और एनिमल के बीच में कंफ्लिक्ट होता है उसके बीच के लिए क्या मेजर्स देने चाहिए वो एनटीसीए देगा. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन मेजर्स किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना है टाइगर को. स्टेट्स मांगते हैं ना कि हमें बता दीजिए, हम इस तरीके से उनके मीटिंग्स होते हैं तो पूछते हैं, तो वो मेजर्स प्रोवाइड करना. फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान क्या है, उसका नेचुरल प्रे स्पीशीज, स्टेटस ऑफ हैबिटेट, मोर्टैलिटी सर्वे, ये सारे के सारे जो मॉनिटरिंग का पूरा काम होगा, गाइडिंग का पूरा काम होगा, जो गाइडलाइंस देने का पूरा काम होगा, वो सब कुछ जो है एनटीसीए करेगी. अप्रूव कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑन टाइगर को प्रीडेटर. देखिए टाइगर को जिंदा रहने के लिए उसके खाने को भी जिंदा रहना पड़ेगा और को प्रीडेटर टाइगर के खाने को कोई और भी खाता है वो भी देखना पड़ेगा उसको. तो ये सारी प्रे हैबिटेट ये सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग जो होती है सब कौन कर रहा है, ये सब एनटीसीए कर रहा है. और क्या काम कर रहा है, एनटीसीए जो है इंश्योर करता है कि टाइगर रिजर्व्स और उसके एरिया जो है उसको डाइवर्ट ना कर दिया जाए फॉर इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए. क्या क्या हो सकती है, मान लो कोई ये आके कह दे कि भाई हमें यहाँ तो कोई टूरिज्म एक्टिविटी करनी है, कोई माइनिंग करनी है, कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई डैम आ रहा है, उन सब को ये मॉनिटर करती है. अगर कुछ भी ऐसा करना है तो एनटीसीए से परमिशन लेना पड़ेगा. ओके, पहली बात तो ये अलाउ ही नहीं करेगा. अलाउ करेगा किस केस में, पब्लिक इंटरेस्ट में और विद अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना है जिससे हमें पता है कि भाई इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डैम्स हो सकते हैं, तो क्या करेगा एनटीसीए, पब्लिक इंटरेस्ट में और अप्रूवल लेके तभी वो उसको अप्रूव करेगा आगे, तभी वो प्रोजेक्ट वहां पे लाया जा सकता है इन टाइगर रिजर्व्स. तो ये काम भी एनटीसीए करता है. जनरली बहुत स्ट्रिक्टली वो सारी चीजों के लिए मना ही करता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर टू अप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान. जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको अप्रूव करते हैं. हर एक स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि हम अपने टाइगर्स को बचाने के लिए ये कर रहे हैं. राइट, तो वो ये सब करते हैं. तो ये सारे के सारे जितने स्किल ट्रेनिंग ये सब काम कौन कर रहा है, ये एनटीसीए कर रहा है. क्यों मैंने आपको बोला इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आपको फंक्शंस ऑफ एनटीसीए में कुछ इस तरीके का फंक्शन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या. वैसे सब आसान फंक्शन है, सीधे फंक्शन है, ऐसा कोई टेढ़ा काम नहीं कर रहा है जिसको कि आपको अलग से देखना पड़ेगा, बट क्या काम कर रहा है एनटीसीए ये आपको पता रहना चाहिए. राइट, अब हम बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, टोटल टाइगर रिजर्व है 53 as in 2022. 2022 में अगर आप देखते हैं, अभी अगर आप देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं 53. 3 टाइगर रिजर्व्स जो हैं लेटेस्ट एडिशन हैं, जिनको कब ऐड किया गया, 2021 में. उसमें से सबसे लास्ट में जो ऐड किया गया था वो था गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उसके अंदर शामिल है टिमोल पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी. तो ये छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ वाला जो टाइगर रिजर्व है दैट इज द लेटेस्ट एडिशन, इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ टिमोल पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. राइट, ठीक है, तो ये जो है ये है. अब टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं तो पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. टाइगर रिजर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी एरिया जिसको हम टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं तो उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चर होगा उसका एक कोर जोन होगा. कोर जोन जो होगा उसके अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी. फिर एक बफर जोन होगा, बफर जोन में क्या होगा, थोड़ा बहुत टूरिज्म लिमिटेड टाइम के लिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल अलाउड होता है.
ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन जोन होता है उसके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड होती है और क्रॉप भी अलाउड होती है और उसके बियॉन्ड तो ह्यूमन सेटलमेंट होती है. तो कोर जोन और बफर जोन जो है वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर होता है, राइट. और ये कहाँ पर होता है, तो इस लेक्चर के खत्म करने के बाद जो है हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स, उनके बीच में क्या डिफरेंस है और टाइगर रिजर्व उससे कैसे डिफरेंट होता है, राइट, या क्या सिमिलैरिटीज है. तो टाइगर रिजर्व्स के अंदर क्या हो रहे हैं, दो जोन है, कोर जोन और बफर जोन. तो कोर एरिया जो है उसको लीगल स्टेटस है ऑफ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी. तो कोर एरिया जो होगा उसको वही लीगल स्टेटस प्राप्त होगा जो कि नेशनल पार्क को होता है, उसको प्रोटेक्शन होगी कोर एरिया के अंदर. कोर एरिया के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी, वो एरिया होगा जहाँ पे टाइगर एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम पे रहते हैं. बफर जोन होगा उसके अंदर टूरिज्म और ये जो है अलाउ होती है ह्यूमन एक्टिविटी, ग्रेजिंग, ओके. तो प्रोजेक्ट टाइगर है जो उसका एम क्या है, फॉस्टर एन एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा टू द कोर एरियाज ऑफ द रिजर्व्स वाइल इंक्लूसिव पीपल्स ओरिएंटेड एजेंडा इन बफर जोन. तो टाइगर रिजर्व का मतलब ही इसीलिए बनाया गया ताकि टाइगर को भी प्रोटेक्ट किया जाए और वहां पे रहने वाली पॉपुलेशन को भी, ओके. अगर हम टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो टाइगर सेंसस जो है हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है. तो पहला टाइगर सेंसस जो है वो 2006 में कंडक्ट किया था, फिर 10 में, फिर 14 में और फिर 18 में. तो ये 4th टाइगर सेंसस है. तो जो 4th टाइगर सेंसस है 20 स्टेट्स में कंडक्ट किया गया है और उसमें टाइगर का नंबर 2967 आया है. मतलब रफली अगर हम बात करें तो 3000 फिगर को आप अपने दिमाग में रखिए, एक्चुअल में है ये 2967, ये इसका एक्चुअल नंबर है. तो पॉपुलेशन अगर ग्रोथ की बात की जाए तो टाइगर की पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है, 6% पर एनम इज द ग्रोथ ऑफ टाइगर. 2006 से हम इसको मेजर करना शुरू किया है. तो टाइगर सेंसस हर 4 साल में हो रहा है. ये 4th टाइगर सेंसस है. टाइगर सेंसस वॉज कंडक्ट यूजिंग डबल सैम्पलिंग. अब डबल सैम्पलिंग क्या होती है, डबल सैम्पलिंग वो टेक्निक होती है जिसमें दो तरीके से सैंपल लिए जाते हैं. फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज में फॉरेस्ट ऑफिशियल और गार्ड जो है उनको भेजा जाएगा, वो अलग अलग पग मार्क्स, उनका लेफ्ट ओवर ट्रे, ये सब जो खाना वहाँ पे उन्होंने खाया है, उनके पूप जो है वो सबको कलेक्ट करके चेक करेंगे कि भाई ये सब जो है टाइगर के बारे में बता रहा है, इंडिकेशन है. सेकेंड फेज में क्या होगा, कैमराज और इमेजेस जो ट्रैप हुए हैं, कैमरा ट्रैप, उससे उसको कोरिलेट किया जाएगा और उससे तो डबल सैम्पलिंग की जा रही है ताकि किसी तरीके की एरर ना आए. तो डबल सैम्पलिंग टेक्निक से ये टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया गया है. अगर आप ग्रोथ रेट ट्रेंड की बात करते हैं इंडिया में, तो अगर आप 2006 में देखेंगे तो 1411 टाइगर थे, 1706 थे 2010 में. तो यही मैं बात कर रही थी, 1706 थे जिस टाइम पे 2010 वाला जो इंटरनेशनल टाइगर समिट हुआ था जो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था रशिया में. तो उस टाइम पे बोला गया था हम 2022 तक इसको डबल करेंगे पॉपुलेशन को. तो जो डबल हुई है पॉपुलेशन वो ये वाली डबल हो गई है इंडिया के केस में रफली. तो 1411 से जो है हम पहुंच गए हैं 2967 पर. तो ये वाली पॉपुलेशन डबल हो गई है, बट हमें उस टाइम पे पॉपुलेशन 1706 थी, तो हमें और नंबर अभी इंक्रीज करना है. टाइगर पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड में मैं बात करती हूँ तो पूरे वर्ल्ड में टाइगर की पॉपुलेशन है 3900 इन वाइल्ड. इसमें हमने जू के अंदर कितने टाइगर रखे हुए हैं उसको नहीं काउंट किया है अभी, या कैप्टिविटी में हमने कितने टाइगर्स हैं वो नहीं पता अभी हमें. तो 3900 इन द वाइल्ड हैं ये, और इंडिया के अंदर 2967 रहते हैं. तो आप देख लीजिए 75% जो है इंडिया के अंदर ही रहते हैं, मोर देन 75% रहते हैं वैसे तो. तो मोर 75% आप नंबर को याद रख सकते हैं, 75% जो है इंडिया में ही रहते हैं. टोटल 4000 टाइगर है रफली, अगर आप मान लें तो 3000 इंडिया के अंदर है, ओके. ये वाले चार्ट से आप देखने की कोशिश करिए, इंडिया जो है 2967 टाइगर्स इंडिया के अंदर है. अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन देखो इस तरीके से बढ़ी है. यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए गए हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखी गई. तो कौन है उसके अंदर, मध्य प्रदेश है, उसके अंदर कर्नाटका है, उसके अंदर उत्तराखंड है और फिर उसके अंदर महाराष्ट्र है. तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. अलग से मैंने आपको चार्ट यहाँ पे दिया है, आप उसमें से देख पाएंगे. ये देखिए पॉजिटिव टाइगर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा स्टेट रिजर्व है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं 526, कर्नाटका सेकंड नंबर पे 524, एकदम क्लोज टाई. तो मध्य प्रदेश कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर हैं. फिर आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में सिर्फ 2 टाइगर रिजर्व है और उसके अंदर देखिए 442 टाइगर की पॉपुलेशन है. फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तमिलनाडु आता है. तो ये स्टेट्स कौन कौन से आपको याद होना चाहिए, पहले हम इस पर फोकस कर लेते हैं. टोटल हमारे पास टाइगर है 2967 टाइगर का टोटल पॉपुलेशन है. 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पास मोर देन 300 टाइगर्स हैं, वो यही स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र. ओके, ये 4 स्टेट्स हैं जिसके पास सबसे ज्यादा टाइगर हैं. 8 ऐसे स्टेट्स हैं विद मोर देन 150 टाइगर्स इंक्लूडिंग अबव 4.
चार ये और आठ और हैं, मतलब चार और हैं जिसके अंदर और ज्यादा टाइगर्स है, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है, आठ स्टेट में, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया जा रहे हैं। कुछ जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर कोई टाइगर नहीं है, नो टाइगर वॉज स्पॉटेड इन मिजोरम स्टेट, मिजोरम में बिल्कुल टाइगर नहीं देखा गया। अगर आप टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो बक्सा, बंपा एंड पालामाऊ टाइगर रिजर्व्स जो हैं जिसके अंदर कोई टाइगर नहीं बचा, उसके अंदर जीरो टाइगर स्पॉट किया गया। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो मिजोरम वो स्टेट है जिसके अंदर अब कोई टाइगर नहीं है, पहले था। अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो तीन टाइगर रिजर्व्स है, बक्सा, बंपा एंड पालामाऊ। अभी हम आगे भी इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व्स के अंदर अब कोई टाइगर नहीं बचा है। 33% जो इंक्रीज इन द टोटल टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2014 सेंसस से, 2014 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 33% इंक्रीज हो गया है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स थे, ये यहाँ पे इस वाले स्लाइड में लिखे हुए हैं, यू कैन रिवाइज दैट। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव टाइगर ग्रोथ वाले तो ये स्टेट्स हैं। नेगेटिव टाइगर ग्रोथ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम एंड झारखंड, ये चार वो स्टेट्स हैं जिसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की गई। मतलब टाइगर इसके अंदर पहले 26 थे, देखिए छत्तीसगढ़ में अब हो गए 19, पहले 45 थे अब 28 हो गए, मिजोरम में 6 से 0 हो गए हैं, झारखंड में 10 से 5 हो गए हैं। तो ये चार वो स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम एंड झारखंड, जिसके अंदर टाइगर का नंबर फॉल किया है। ओके, अगर हम बात करते हैं स्टेट्स विद मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन और ग्रोथ और इंक्रीज, तो इसमें कौन कौन से आएंगे जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ रजिस्टर हुई है। देखिए मैक्सिमम नंबर किसमें है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, बट जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ रजिस्टर हुई है वो आते हैं केरला, तमिलनाडु और बिहार। इसके अंदर मैक्सिमम ग्रो किया है टाइगर्स ने। अगर हम मैक्सिमम डिक्रीज जिसमें रजिस्टर करते हैं उसमें मिजोरम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ आता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो अगर आपको सवाल में इस तरीके से ट्विस्ट दे दिया जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पर है, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर रजिस्टर हुई है, तो केरला, तमिलनाडु और बिहार में मैक्सिमम ग्रोथ रजिस्टर की गई है टाइगर की, उनका नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है। ओके, कुछ और टाइगर रिजर्व्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है उसके अंदर 6 टाइगर रिजर्व्स हैं और महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो दो स्टेट्स ऐसे हैं, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एडजेसेंट स्टेट्स हैं, दोनों के अंदर 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। हुआ कैसे ऐसा, जो पेच टाइगर रिजर्व है वो दोनों का पार्ट है, मध्य प्रदेश का भी और महाराष्ट्र का भी। तो पेच टाइगर रिजर्व दोनों का पार्ट है, दोनों स्टेट्स के अंदर 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, बट टाइगर पॉपुलेशन जो किसकी ज्यादा है, एमपी की सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर, श्रीसाइलाम जो टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर, श्रीसाइलाम, ये जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज। ओके, बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। एमपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर 6 टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एमपी में है। ओके, फिर क्या बात कर रहे हैं हम, बक्सा, डंपा एंड पालामाऊ टाइगर रिजर्व्स के अंदर 0 टाइगर है, ये हम देख चुके हैं। टाइगर रिजर्व का ये वाला जो मैप है ये मैंने खुद बनाया, इसमें जो 3 नए टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें स्टार लगा दिया गया है, मेघामलाई, रामगढ़ विषधारी एंड गुरु घासीदास। तो ये तीनों जो हैं ये वो टाइगर रिजर्व्स हैं जो लेटेस्ट एडिशन है, आप इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहे हैं तो 3 हुए हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसको हम टिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। रामगढ़ विषधारी जो है वो राजस्थान में है और मेघामलाई जो है तमिलनाडु में है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व जो है 2021 में ऐड हुए, उससे पहले कौन से 3 ऐड हुए थे, 2016 में कामलांग ऐड हुआ था और आंग भी 2016 में ऐड हुआ था। तो 3 कौन कौन से ऐड हुए हैं, मेघामलाई, देखो मेघामलाई को आप कैसे याद रखोगे, तमिलनाडु में है मेघामलाई, लेटेस्ट एडिशन है। तो अगर आप ये कोरिलेशन थोड़ा सा ये कर सकते हो, तमिलनाडु में आपको कोकोनट मिलेगा, कोकोनट में मलाई है, तो मेघामलाई नया टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। रामगढ़ विषधारी कहाँ पे, राजस्थान में। तो आप ऐसे सोच सकते हो डेजर्ट के अंदर आपको स्कॉर्पियन, बिच्छू मिल जाए, बिच्छू बहुत ज्यादा विष वाला होता है, पॉइजनस, तो रामगढ़ विषधारी जो सेंचुरी है वो राजस्थान में है। थर्ड छत्तीसगढ़ के लिए कोई लॉजिक नहीं मिल रहा मुझे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रट लो यार इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, गुरु घासीदास और टिमोर पिंगला, तो कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ में। तो ये लेटेस्ट एडिशन है, 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, परमानेंट मेमोरी में। ओके, तो ये तीनों के तीनों लेटेस्ट एडिशन है। इसके अंदर नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितने हैं, 14 और 35 जितना नंबर मिला मैंने आपको ऐड कर दिया, बट क्योंकि लेटेस्ट एडिशन है तो अभी टाइगर की काउंटिंग जारी है।
अगर आप इस वाली लिस्ट में से देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट दी गई है, स्टेट वाइज आपको लिस्ट दी गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में जो है 3 टाइगर रिजर्व हैं, नामधापा, कामलांग, पाके, असम के अंदर मनास, नामेरी। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। वाल्मीकि, काजीरंगा, अचानकमर, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स के नाम हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट नाम। तो ये सारी लिस्ट है, इसको आप पूरा अपने रिविजन के टाइम पर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें टाइगर रिजर्व्स को याद रखने के लिए अपने हेड में उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ज्योग्राफी के लिए हमने नहीं किया, ये NTCA ने खुद डिवाइड किया हुआ है। 5 जोन है पूरे इंडिया के, शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स पहला, सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट्स के साथ, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और 5th इज सुंदरबन। तो ये 5 जोन्स हैं जिसके अंदर हम टाइगर रिजर्व को स्टडी करेंगे। तो अगर हम जोन वाइज बात करते हैं, तो जोन वाइज अगर आप देखोगे तो शिवालिक रेंज में कितने हैं, 646, सेंट्रल इंडिया के अंदर 1033 जो है टोटल टाइगर रिजर्व। तो ये नंबर आप देख सकते हैं क्योंकि सेंट्रल जोन जो है बहुत बड़ा जोन भी है, इसलिए इसमें यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो जोन है शिवालिक हिल्स एंड गैंजेटिक प्लेन्स, तो गंगा का प्लेन और शिवालिक हिल्स वाला जो है पहला जोन है। इसके अंदर 3 स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्तराखंड, यूपी और बिहार। तो उत्तराखंड, यूपी और बिहार पे फोकस करिए। देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, देखिए राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, राजा जी नेशनल पार्क भी है। तो जिम कॉर्बेट एंड राजा जी 2 टाइगर रिजर्व्स हैं उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं, पीलीभीत और दुधवा, देखिए यहाँ पे पीलीभीत है और यहाँ पे दुधवा है, ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया पर है। और बिहार में वाल्मीकि, अगेन ये बॉर्डर एरिया पर, नेपाल वाले बॉर्डर से हैं ये दोनों। तो इस तरीके से 5 टाइगर रिजर्व आते हैं इस पहले जोन में, शिवालिक हिल्स एंड गैंजेटिक प्लेन। इसके अंदर टोटल 5 टाइगर रिजर्व आते हैं, 3 स्टेट्स आती हैं। ओके, ये आपको रटना ही है, मतलब कौन सी स्टेट के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है ये आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। फिर आता है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट। अब सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट में कौन कौन से आ रहे हैं, अब ये सबसे बड़ा जोन है सेंट्रल इंडिया, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सारा आएगा, राजस्थान भी आएगा इसके अंदर, MP भी आएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही है, नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम टाइगर रिजर्व, पहला एक ही सिर्फ नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर 4 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। ये देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप आपको दिखाई देगा, कौन कौन से हो गए इसके अंदर, अचानकमर, इंद्रावती, आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, अचानकमर, इंद्रावती, उडानती, सीता नदी एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कहाँ गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये रहा, ये देखिए। तो ये 4 टाइगर रिजर्व्स जो हैं ये छत्तीसगढ़ में हैं। यू कैन टोटली अप्रिशिएट दिस, 4 टाइगर रिजर्व्स आपको पढ़ने हैं छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से आएंगे, अचानकमर, इंद्रावती, उडानती, सीता नदी एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसके अंदर टिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड है। तो ये 4 आपको इधर पढ़ने हैं। झारखंड में सिर्फ 1 टाइगर रिजर्व आएगा, पालामाऊ। पालामाऊ के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, पालामाऊ के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर टाइगर का नंबर 0 हो गया, राइट। मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच एंड सतपुड़ा और संजय डुबरी। देखिए ये सतपुड़ा है, ये पन्ना है, ये बांधवगढ़ है, ये संजय डुबरी है, ये कान्हा है, ये पेंच है, पेंच दोनों में है, राइट। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हैं, कौन सा रह गया, संजय डुबरी भी हो गया। तो ये सारे के सारे MP में हैं। फिर बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अगेन 6 टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, मेलघाट, नवेगांव, पेंच, सह्याद्री, ताडोबा। तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर इसका लोकेशन है, ये देखिए ये ताडोबा, ये सह्याद्री है, ये ताडोबा है, ये मेलाघाट है, ये बोर है, पेंच यहाँ पे बॉर्डर पर है, नावेगांव, निगजीरा, ठीक है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में। अब आप सोचेंगे कि क्या आपको किस तरीके से याद करना है, आपको इसी तरीके से याद करना है कौन सी स्टेट है और कौन सा नेशनल पार्क है। इस वाली लिस्ट को आप निकाल के PDF को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में फिर कितने, उड़ीसा में 2 हैं, सिमलीपाल एंड सतकोसिया। ये देखिए सतकोसिया एंड सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। राजस्थान के अंदर कितने हैं, राजस्थान के अंदर रणथंभौर है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, सरिस्का, 3 है इसके अंदर, रामगढ़ विषधारी जिसमें से लेटेस्ट एडिशन है, रणथंभौर एंड सरिस्का ऑलरेडी थे, ओके।
तेलंगाना में कितने हैं? अमराबाद एंड कवाल, दो यहाँ पे हैं, कवाल एंड अमराबाद, दो जो हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट जो जोन आता है वो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? कर्नाटका आएगा, उसके अंदर केरला आएगा और तमिलनाडु आएगा। तो ये तीनों स्टेट्स आएंगे वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स में अगर आप बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर कौन कौन से आएंगे? कर्नाटका के अंदर बांदीपुर, भादरा, बीलगिरी, रंगास्वामी, बीलगिरी, रंगास्वामी, अंशी, डांडेली एंड नगरहोल। तो ये सारे के सारे जो हैं ये किस में आएंगे? कर्नाटका में है। डांडेली, अंशी, भादरा, नगरहोल, बांदीपुर, ये सारे के सारे जो हैं, और बीलगिरी रंगास्वामी यहाँ पर है। ये देखिए ये सारे के सारे आ रहे हैं हमारे कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद केरला की बात आती है, केरला में दो हैं, परम्बिकुलम एंड पेरियार, और तमिलनाडु के अंदर चार हैं, अनामलाई, KMTR, मुदुमलाई एंड सत्यमंगलम। मुदुमलाई जो है लेटेस्ट एडिशन है और ये टोटल मिला के चार हो जाते हैं तमिलनाडु में। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ये वाली स्लाइड को खोलेंगे और इसको 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट जो आता है जोन वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? पूरी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आएंगी। तो अगर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? कामलांग, नामधापा एंड पाके। ये देखिए पाके यहाँ पर है, नामधापा बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर है यहाँ पर, और कामलांग जो है ये भी अगेन चाइना वाली साइड पे बॉर्डर पर है। ठीक है, तो पाके, नामधापा एंड कामलांग तीन टाइगर रिजर्व्स हैं। असम की अगर हम बात करेंगे तो असम में चार टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन से? काजीरंगा, मनास। काजीरंगा के बारे में क्या है? वहाँ पे राइनो भी है। मनास में क्या है? मनास में राइनो भी है। तो काजीरंगा, मनास, नामेरी एंड उरांग, तो ये चार टाइगर रिजर्व्स हैं कहाँ पर? असम में। देखिए टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, तो टाइगर रिजर्व तो आपको रट लेने हैं, आपके पास कोई भी एस्केप नहीं है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसमें सबको रटना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट वंस को हम रटेंगे, लेकिन टाइगर रिजर्व में सबके नाम किस स्टेट में ये आपको पता होने चाहिए, हो जाएंगे पता। फिर बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, कुछ कुछ इसमें से जो टाइगर रिजर्व है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बात करेंगे। मिजोरम के अंदर क्या है? मिजोरम के अंदर डंपा, डंपा के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था? डंपा के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ पे मिजोरम के अंदर जीरो है। वेस्ट बंगाल के अंदर दो हैं, बक्सा एंड सुंदरबन, तो यहाँ पे बक्सा और सुंदरबन, ये सुंदरबन जो एरिया हमने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन और सुंदरबन जोन है, इसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो सुंदरबन एंड कौन सा? बक्सा। बक्सा देखिए यहाँ पर है, ये दोनों भी इंक्लूडेड है इसी जोन में। तो इस तरीके से हम टोटल 5 जोन में डिवाइड करके जो है इंडिया के टाइगर रिजर्व्स को पढ़ते हैं। याद करने के लिए आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ये 53rd टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसमें टिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है तो हमने एक दो टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ डिटेल में जरूर पढ़ लेंगे हम। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? ये इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है ये? छोटा नागपुर के प्लेटू में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कौन है? छोटा नागपुर का प्लेटू एंड बुंदेलखंड प्लेटू दोनों इसको कवर करते हैं। तो बुंदेलखंड प्लेटू का भी कुछ पोर्शन है और छोटा नागपुर प्लेटू का भी कुछ पोर्शन है, दोनों को मिला के जो है ये टाइगर रिजर्व बनता है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन है? मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन है। अब आप ये सोचेंगे कि हम ये वेजिटेशन के बारे में कैसे लर्न करें, तो मैं आपको अपनी ज्योग्राफी क्लास में अच्छे से बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पूरे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं आप, लॉजिकली कैसे आपको पता चल सकता है कि कौन सी जगह पे कौन सी वेजिटेशन होगी, राइट। फ्लोरा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टीक, साल, बैम्बू सब मिलेगा। फौना की बात करेंगे तो टाइगर, लेपर्ड, चीता, नीलगिरी, चीतल, नीलगाय, सांबर, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। फोर हॉर्न एंटीलॉप भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो है टिमोर पिंगला के इसके गुरु घासीदास के बारे में ही बात हो रही है, तो ये जो है ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। टिमोर पिंगला के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, टिमोर पिंगला जो है ये टिमोर और पिंगला नाला इन दोनों को मिला के बना है, तो ये आप पूरा इसको PDF से पढ़ लीजिए। अगर हम 52nd टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, जो भी 2021 में जुड़ा था, रामगढ़ विषधारी, तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, इसके अंदर 35 टाइगर हैं, तो ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है इसका राजस्थान का, ओके। अब जो है लास्ट टॉपिक, ये सारा आपने देख लिया टाइगर रिजर्व्स के बारे में, टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, किस तरीके से आप उसको लर्न करना है, टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ा कारण है टाइगर मोर्टैलिटी, जो उसका नंबर को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इस चार्ट को प्लॉट किया गया 2012 से लेके 20 तक के टाइगर मोर्टैलिटी के कॉजेज को यहाँ पे प्लॉट किया गया। तो आप ये देख सकते हैं
नेचुरल कॉजेज, अननेचुरल कॉजेज, अंडर स्क्रूटनी, पोचिंग, सीजर्स, ये सारे के सारे ये है। देखिए 2020 में देखिए अंडर स्क्रूटनी है, अभी 73 टाइगर्स की डेथ हुई। क्या कारण था अभी हमें नहीं पता चल पाया कि नेचुरल था या क्या था, मैनमेड था। वैसे अगर आप देखेंगे तो नेचुरल ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, और सेकेंड नंबर पे पोचिंग। नेचुरल के बाद जो सबसे ज़्यादा टाइगर जिसकी डेथ हो रही है उसके कारण है पोचिंग, मतलब उसका शिकार किया जाता है। टाइगर मोर्टैलिटी की अगर टेबल आप देखते हैं 2012 से 20, तो सबसे ज़्यादा मोर्टैलिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तराखंड के राजा जी में और फिर कॉर्बेट में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर नंबर भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर टाइगर की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर मोर्टैलिटी आपको बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश के टाइगर मोर्टैलिटी देखिए, तो ये जो है इतनी ज़्यादा टाइगर मोर्टैलिटी वहाँ पे आपको रजिस्टर की गई है। टाइगर रिजर्व का नाम, स्टेट और टाइगर मोर्टैलिटी का रेट, तो दिस दैट्स इट। ये जो था हमारे टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को मैं अगेन कहूँगी, इसका बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप इसके PDF निकाल के उसको बार बार रिवाइज करेंगे। अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आया है तो आप इस लेक्चर को रिपीट मोड में दोबारा भी देख सकते हैं। इस लेक्चर के बाद हम एक और लेक्चर लेकर आने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो बाकी लोगों को भी जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।